स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हमारा काम है सवाल पूछना, चाहे किसी को अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन जो चीज़ें ठीक नहीं लगती उस पर सवाल उठाना हमारा काम है। आप सब जानते हो, इस बात से बली बांति परिचित हो कि 10 बजे तक टाइमिंग है रात को बार और रेस्टोरेंट की, 10 बजे तक आप खोल सकते हो। सिर्फ दो चीज़ें, बार, यहाँ शराब बिकती है, यहाँ पे लोग आकर बैठकर शराब पीते हैं। रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हो, बैठ सकते हो, 50% कैपेसिटी के साथ, शायद यही। इसके अलावा सब कुछ 7 बजे के बाद बंद होना चाहिए। 8 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन ये नाइट कर्फ्यू जो है ये बार और रेस्टोरेंट्स के लिए नहीं है, यानी कि भेदभाव है। आप सारी जनता को एक तराजू में नहीं तोल रहे। मैं चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, शायद मैं गलत हूं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, एक मैसेज कर दो, एक ट्वीट कर दो, बोल दो रविंदर तुम गलत हो, ये रिपोर्ट गलत कर रहे हो, इसके पीछे हमारा ये लॉजिक है। तुम्हारी समझ कम है, तुम्हारी सोच कम है, इसके पीछे ये लॉजिक है, इसलिए हमने बार और रेस्टोरेंट को 10 बजे तक खोला है और बाकी को 7 बजे बंद। एक जिम ओनर ने मुझे कॉल किया, जनाब कल कुछ पुलिस वाले आए थे 7 बजे, वो कहते हैं तुम्हारी जिम कैसे खुली है 7 बजे, बंद करो इसको। आप सारी जनता को एक तराजू में नहीं तोल रहे। बता दो बार और रेस्टोरेंट में कोरोना नहीं जाएगा। ये रेडी देख लीजिए, ये कोई बड़े टर्नओवर नहीं है, ये बड़े अमीर लोग नहीं है, ये शाम को अभी 4 बजे हैं, ये अपना रेडी सजाना शुरू कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर रहे हैं। 6 बजे तक ये अपना प्रिपेयर कर पाएंगे, 6 बजे तक अपना सौदा तैयार करेंगे, फिर उसके बाद इंतज़ार करेंगे कि कस्टमर यहाँ पे आ जाए, लेकिन तो उसके बाद पुलिस की जीप यहाँ आ जाएगी, 2-4 कस्टमर शायद आए होंगे। 7-7:15 बजे बंद करो जनाब, आपका वक्त हो गया। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं हमें बंद करवाया जा रहा है, हमारा सामान पड़ा है, और इनका टाइम यही है, 7 से 9 तक ये काम करते हैं अपना, तभी ग्राहक होता है। ये सोचते होंगे अपने दिमाग में, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों नहीं लगता उन्हें कि हम कोरोना फैला रहे हैं। बार और अगर बंद करना है तो सबको 7 बजे बंद करो, अगर खोलना है तो सबको 10 बजे खोलो, ये क्लास क्या है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को वहां से कमाई होती है, वो पैसे देते हैं आपको, या और क्या कारण हो सकता है? ये बात समझ से परे है। और कहते हो आप कि 8 बजे नाइट कर्फ्यू है, ये रिपोर्ट मैंने पहले भी की थी। सुनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, देखते हैं, और शायद अपने कमरे में बैठकर अपने परिवार से बात भी करते होंगे, यार ये बात सरदार बात तो सही कह रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं, सुन के स्क्रॉल कर देते हैं। ये यहाँ के लोग हैं ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन 7 बजे इनको बंद कर देना है। अभी 4 बजे हैं, 5:30-6 तक प्रिपेयर करेंगे, 7 बजे बंद कर देंगे। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम कमल है। क्या नाम आपका? कमल है। नाम क्या काम करते हो आप यहाँ पे? मेरा नॉन वेज का स्टॉल है। कितने बजे बंद करते हो? मैं 8 बजे बंद कर देते हैं, 8 बजे का ऑर्डर मिला है, 8 बजे बिल्कुल क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग हो जाती है तो वो बार और रेस्टोरेंट तो खुले रहते हैं 10 बजे तक? बार और रेस्टोरेंट खुले रहते हैं, ढाबे भी खुले रहते हैं। ढाबे भी खुले रहते हैं तो आपको बंद करवा देते हैं? जो रेडी है ना, रेडी गांधीनगर, बाकी जो जगह खुली रहती है, सिर्फ गांधीनगर ही बंद है। ये बंद है? ये बंद है, उसमें से हमारा कुछ बनता ही नहीं है, ना कोई खर्चा भी नहीं निकलता है। आपका, अपने आप करता हूँ बात आपसे, आपका नाम क्या साहब? संजय कुमार। संजय, किस चीज़ की रेडी है आपकी? सर फिश कॉर्नर। फिश का? कितने बजे का जो पीक टाइम रहता है, जो आपका कस्टमर आपके पास आता है? सर 7 बजे हमारे बाद कस्टमर आते हैं हमारा, तो 7 बजे बंद करने का टाइम हो जाता है, 7-8 बजे बंद कर देते हैं। तो सर हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी रेडी बंद हुई लॉकडाउन लगा तो, पिछले साल भी मार्च बंद हुआ था और इस साल भी सर मार्च बंद हुआ, और सबसे लास्ट हमारी रेडी खुलती है, सबसे लास्ट में, मतलब हमें कोई ध्यान नहीं देता, इतनी बड़े बड़े अफसर यहाँ जाते हैं। आप जब, चलो पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे हैं, जो ऑर्डर मिला वो इम्प्लीमेंट करते हैं, आप किसी के पास गए नहीं, मिले नहीं जनाब, आपने बार और रेस्टोरेंट खोल दिए? सर हमारी बात कौन सुनता है, काम कहाँ जाते हैं? हाँ DSP साहब पास हम गए थे, हम लोग सब मिलके, महंगी साहब के पास? हाँ जी। अच्छा। उन्होंने सर, उन्हें टाइम दिया 8:30-8 बजे का। अच्छा, उन्होंने बोले 8 बजे बंद कर दो और 8:30 तक आप बर्तन धो सकते हैं।
नहीं, वो लोग भी इंसान है, आपकी मजबूरी समझते हैं, वर्दी के पीछे भी तो एक इंसान ही बैठा है ना। बिल्कुल सर, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि जो ऑर्डर आया इम्प्लीमेंट करवाना। बिल्कुल सर, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हमें यही है कि सरकार इमरजेंसी यही है, हमारा जो टाइम है कम से कम 9 बजे सर कर दें, फिर ठीक हो जाएगा, तो हमारा सर बच्चे हमारे पल जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल है सर, बच्चों की फीस देना, हर चीज़ देना, पढ़ाना लिखाना रोटी करना, कहाँ से पूरी करेंगे हम? ये हमारा खर्चा पूरा नहीं होता है, हमारा माल सर वेस्ट हो जाता है, माल जहाँ हमारा 7-8 किलो माल लगाते हैं वो हमें 4-5 किलो, उसमें खर्चा भी नहीं पूरा होता। देखो अभी बजे हैं 4:15 हुए हैं, यानी कि कस्टमर आपके पास 6 बजे तक नहीं आएगा। नहीं आएगा, 6 से 7 डेढ़ 2 घंटे में काम करते हैं, बस 1 घंटा काम करते हैं, 1 घंटा काम, 1 घंटा। और हम तंदूर जलाते हैं, तंदूर खर्चा है, ये वो सारा खर्च, कुछ हमें चटनियाँ फेंकनी पड़ती, गर्मी है, सामान फेंकना पड़ता है, नुकसान होता है, दूसरे दिन कस्टमर को चला नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाती है, गाँव के यहाँ सारे VIP आते हैं, कंप्लेन करते हैं। हाँ, अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे चीज़ सही चाहिए। जी जी, खराब। कोई सुन रहा है? किसी को आवाज़ आ रही है? कोई रहम आ रहा है आपको? सबके लिए बंद कर दो 7 बजे ही, या सबके लिए खोल दो 10 बजे ही। ये भेदभाव वाली कहानी मुझे समझ से परे है। यहाँ कुछ लोग हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद वो अपना 1-1.5 घंटा जो काम करना है उसकी प्रिपरेशन चल रही है। आपका नाम क्या है सर? जगदीश। जगदीश जी, क्या काम करते हो आप? डोसे का सर। डोसे का काम करते हो? हाँ। कितना वक्त काम करते हो, कितना खुला रहता है ये? हम लोग 7:30 बजे बंद कर देते हैं सर। 7:30 बंद कर देते हैं? पुलिस के लोग आते हैं बोलते हैं बंद कर? नहीं, ऐसे तो पुलिस वाले आते नहीं है, पर पहले से रूल के हिसाब से। लेकिन आपके इससे खर्च घर चल रहा है, ठीक चल रहा है? घर तो नहीं चलता है, पर क्या क्या कर सकते हैं इससे, घर अभी इसमें नहीं चलता है। देखिए, काम होता है 7:30 से 9 बजे के बीच में। आप क्या चाहते हो, कितना वक्त मिलना चाहिए आपको? हमें तो यही बोल चाहते हैं कि 9 बजे तक टाइम मिल जाए हमें, फिर ठीक हो, फिर खुश हो आप? फिर खुश है। पहले कब करते थे, कोरोना से पहले कितना करते? पहले तो 10 बजे का टाइम था सर, तब ठीक था काम। अब आप चाहते हो कि 9 बजे तक हो जाए? हाँ, कम से कम 9 बजे, कम से कम 9 बजे तक। 10 बजे तक क्यों नहीं, वो तो बार तो रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुलते हैं। देखिए, अगर 9 बजे रेडी वालों को भी दे बहुत है, 9 बजे बंद करें, 9:30 बजे बर्तन शर्तन धो के अपना काम खत्म करके जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ, और इससे ज्यादा बात हो रही है, बात किए हुए थे, तो अभी देखो अफसर बताते हैं कि अभी 15 अगस्त के बाद आगे आपका टाइम कुछ कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद? उसके बाद करेंगे। हाँ, अब देखिए क्या होता है आगे। बात हुई किसी से? साहब लोग बोले थे, गए थे ना खाने। अच्छा, वो बोलते हैं? वो बोलते खाने में क्यों, आपको तो जाना चाहिए था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ से बात करें। उधर भी उधर नहीं गए थे, जैसे बताए हुए कि देखिए माहौल के हिसाब से 15 अगस्त चल रहा है, उस हिसाब से भी शायद पुलिस वाले भी आगे फीडबैक देते होंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये दिक्कत आ रही है। हाँ, इसलिए लेकिन परेशानी है अभी। परेशानी तो है सर, लॉकडाउन के बाद बहुत परेशानी है, क्योंकि अभी के टाइम में खर्चा निकालना मुसीबत हो गया, मुश्किल है। हाँ। मैं समझ सकता हूँ, मुश्किल है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू, क्योंकि ये आप बता दीजिए जनाब मैं गलत कहाँ पे हूँ। आपने बार और रेस्टोरेंट को, और कल एक वीडियो भी आया था, यहाँ एक आदमी की मछली फेंक दी, एक पुलिस वाले ने एक आदमी की मछली फेंक दी, शायद 7:30-8 का वक्त हो गया था। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम अजय शर्मा है। अजय साहब, क्या क्या रेडी है आपकी यहाँ पे? मेरी इधर शर्मा फास्ट फूड रेडी लगाई है मैंने, कॉन्वेंट स्कूल के सामने, ये पहली मेरी पड़ती है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, मैं मेरा टाइम है सुबह 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। हा? तो 9 बजे से के रेडी मैंने खोली है, अभी देखो टाइम हुआ 4:15 हो गए, 3 बंदे आए हैं अभी तक, इतनी सुबह से लेके अभी तक। हाँ, अच्छा, जाने 250 रुपया सेल हुई है। तो मैंने कितने बजे करते हो? बंद 8 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, अगर नहीं बंद किया तो पुलिस वाले डंडे ही मारते हैं, तो 8 बजे से पहले बंद किसी हालत ही उन्होंने करवानी है, वो करवानी है। हमारा जनाब काम चलता है 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद 10 बजे तक हमारा सही काम चलता है, दिन को कोई गाहक नहीं आता हमारे पास, कोई ऐसे कोई मजबूर हो के जिसने खाना होगा वो ही आएगा, पता सबको तो इतनी धूप में कौन खाएगा। अगर मौसम अच्छा हो, स्कूल लगे हो, तो फिर हमें इतनी है कि स्कूल टाइम हमारा दिन को ही काम निकल जाता क्या है। चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि हमारा 10 बजे नहीं कर सकते हैं टाइम, फिर भी 9:30 बजे तक तो होना चाहिए, अगर नहीं हो सकता है तो एक ही ऑर्डर कर दो कि हमारी रेडियाँ सारी रेडी हों, सब बंद हो जाए, हम खुश हैं इस बात के लिए, हम कोई और काम करेंगे, ऐसे क्या फ़ायदा ऐसे बैठने का पूरा दिन। नुकसान भी होता होगा इनका? नुकसान सर 2000 का सामान डालते हैं, शाम को सेल होती है 1200-1000 रुपया, उल्टा अपना अपना भी बुरा नहीं होता है, अपना कहाँ उल्टा 500-700 रुपया घाटा पड़ता है हर दिन।
मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये लोग किस तरह से, और इनकी अप्रोच नहीं है, इनकी अप्रोच नहीं है, सिर्फ उम्मीद है, आशा करते हैं, आशा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। पुलिस का इसमें रोल नहीं है, पुलिस अपना काम करती है, जो ऑर्डर होते हैं उनको सख्ती से वो उसका पालन करना होता है, वो बात समझ आती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं जनाब, इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये लॉजिक आपका, आपका ये मैथमेटिक्स समझ से परे है कि बार और रेस्टोरेंट जो हैं वो खुलेंगे 10 बजे तक, 8 बजे कर्फ्यू लग जाएगा, वो 10 बजे खुलेंगे, मैं रात की बात कर रहा हूँ, और ये जो रेडियाँ हैं 7, 7:30 बंद कर देनी है। शायद क्लास के हिसाब से आपने रूल बनाए हैं, क्लास के हिसाब से, ये सेगमेंट ये है, ये सेगमेंट ये है, ये सेगमेंट ये है, बार वाला थोड़ा अमीर है, पैसे वाला है, क्योंकि यही समझ आता है, कोई और कारण है बता दीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, क्या काम करते हो आप यहाँ पर? सर मेरी जी रेडी है यहाँ पे, फिश की, फास्ट फूड की रेडी है। क्या दिक्कत आ रही है? सर मैं कहना चाहता हूँ, आगे भी हमारी एक बार न्यूज़ वाले आए थे, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी टाइमिंग है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जहाँ तक पहले 7 बजे थी, हम गए थे इकट्ठे होके, वहाँ पे हमें टाइमिंग मिली 8 बजे, लेकिन गर्मी का मौसम है, बरसाती मौसम है, क्यों मैक्सिमम 8 बजे का टाइमिंग किससे मिलने गए थे आप? हमने डीएसपी साहब से, महंगी साहब जी, उन्होंने हमें 8 बजे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत नाइस, वेरी नाइस, मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी, लेकिन उनके हाथ में भी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको इतना लो किया, इतना टाइम दिया, हमने उनको बोला 8, 8:15 तक, चलो हमारा उन्होंने टाइम किया, उन्होंने बोला 8 बजे तक टाइम है, लाइटें बंद कर दो, हमने बोला 15 मिनट हमें ऊपर दो, जिससे हम अपनी जो सामान है क्लोज कर दें, उन्होंने 15 मिनट छोड़ो, हम यही चाहते हैं सर 9 बजे तक हो जाए, क्योंकि बरसाती मौसम है, जो सामान हम आज लेके आएंगे ना वो सुबह यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, नुकसान भाई, यही जनाब नुकसान ज़्यादा, हम यही कारण है, ये रिपोर्ट करना ज़रूरी था, ये वीडियो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था, सोचिएगा ज़रूर, और ये 10 बजे 8 बजे और 7 बजे का जो मैथमेटिक्स है ये हमें समझा देना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।